सर्वप्रथम आह्वान करें हम परात्पर एवं परात्परा जननी की सम्मिलित दिव्य चेतना का, अवतरित होकर वर्तमान में परात्पर के प्रतिनिधि स्वरूप प्रादुर्भूत हुए महायोगी महर्षि श्री अरविंद द्वारा विरचित सावित्री महाकाव्य के बुक 1 कैंटो 2 द इशू 16वें पृष्ठ की 11वीं पंक्ति पर हमारी चेतना को अपनी चेतना के साथ रखकर ऊर्ध्वारोहण कराएं, ताकि रखे गए भाव को, विचारणा को, मंत्रों को, सूत्रों को हम प्रकट होने पर ठीक ठीक देख सके, जान सके, सीख सके, समझ सके, तद अनुरूप साधना के ध्रुव पथ पर अपना कदम आगे बढ़ा सकें। इसी मनोभाव से हम प्रयत्न करते हैं। कहते हैं महायोगी, टिल देन नो मॉर्नफुल लाइन हैड बार्ड दिस रे ऑन द frail breast of this precarious earth, since her orbit sighed in its breath fastened house, opening in sympathy with happier stars, where life is not exposed to sorrowful change, remembered beauty death claimed lids ignore, and wondered at this world of fragile forms, carried on canvas strips of shimmering time, the impunity of unborn mites were hers। गुरु के कुछ भाव को साथ लेकर हम आगे बढ़ते हैं सरल भाव की ओर। शांत सावित्री के सत्ता स्तर विग्रह में शाश्वत की दिव्य प्रेम किरण के अवतरित होकर निवसित हो रहने पर अब तक उसके अंदर शोक की पतली सी रेखा भी इस दिव्य प्रेम किरण के मार्ग की बाधा न बन सकी थी, क्योंकि यह तो नश्वर जगत है। यहाँ कोई आओ, सबके लिए काल का एक ही रूल है, एक ही शासन है, किंतु ऐसी परम दिव्य शक्ति धारिणी थी कि अब तक एक पतली सी शोक की रेखा भी वहाँ नहीं प्रकटी थी। शाश्वतता के दिव्य प्रेमालोक से नश्वरता के दुख, कष्ट, रोग, शोक, संत्रास, संताप से वह सर्वथा अपरिचित रह अभी जीवन यापन कर रही थी। देव दुर्लभ मानव जीवन को, जो इस अनमोल धरती पर ही संभव है, चाहे वह भंगुर जीवन जीने का क्षेत्र ही क्यों न हो, किंतु भागवत लीला के सहचर बनकर उनकी लीलोत्सव की क्रीड़ा में तो केवल इस नश्वर धरती पर ही भाग लिया जा सकता है। ऐसे अद्भुत अनमोल धरा की अनिश्चित भंगुर छाती पर शाश्वतता से उतरी नश्वरता, शाश्वतता से उतरी शाश्वतता खातिर भंगुर शासबद्ध काया के अपने घर के बाहर उसकी दिव्य ज्योति से आलोकित मंडलाकार नेत्रों से खुली विश्वव्यापी दृष्टि बाह्य जगत के नश्वर अस्तित्व कण से लेकर मानव अंतर में विद्यमान भागवत अंश उपस्थिति के सितारों पर उनकी जगमग करती ज्योति पर ही खुली हुई थी। इस लाइन को फिर से लेते हैं। ऐसे अद्भुत अनमोल धरा की अनिश्चित भंगुर छाती पर शाश्वतता से उतरी शाश्वतता धारित भंगुर श्वासबद्ध काया के अपने घर से बाहर समूची समष्टि में उसकी दिव्य दृष्टि फैली थी। अपने घर से बाहर उसकी दिव्य ज्योति से आलोकित मंडलाकार नेत्रों से खुली विश्वव्यापी दृष्टि बाह्य जगत के नश्वर अस्तित्व कण कण से लेकर मानव अंतर में विद्यमान भागवत अंश उपस्थिति के सितारों पर उनकी जगमग करती ज्योति पर ही सावित्री की यह विश्वव्यापी अति विशाल दृष्टि खुली हुई थी। उनके नश्वरता के जीवन पर अब सारे जगत और जागतिक चेतना में आए अस्तित्वों का जीवन कैसा, उनके नश्वरता के जीवन पर दिव्य दृष्टि गड़ाए, उनकी ही सहानुभूति में पूर्ण रूप से डूबी डूबी पगी थी। क्यों पगी थी? कैसे इन्हें इस नश्वरता से मुक्ति प्रदान कराई जाए, ये सहानुभूति। इस स्थिति के चलते हुए भी उसके स्वयं के जीवन के नश्वरता के लोक में रहने पर भी काल के चक्र से होने वाले जीवन परिवर्तन के दुखप्रद क्रम की उसकी यह जीवन गति अब तक काल द्वारा शिकार करने के लिए नहीं बनी थी, क्योंकि उसकी नेत्रों की नश्वर पलकें भी भीतर विराजमान दिव्य प्रेम किरण आलोक शक्ति से मानो बेखबर बनी। उसमें बसी शाश्वत दिव्य दृष्टि की सुषमा से पगी हुई बेसुध हो जीवन यापन करती थी, अपनी शाश्वतता का बोध तक न हो जैसे। और विश्व चेतना से भी बड़ी समूचे ब्रह्मांड को अपने हृदय में धारण कर सकने की स्थिति में स्थित होकर समूचे भंगुर आकारों से खचाखच भरे जगत की ओर आश्चर्य से भरकर टिमटिमाते काल के विखंडित चित्र पटल पर इन गतिशील चलते फिरते भंगुर जगत को देख रही थी। तब तक देवतुल्य अजर अमर अजन्मे शक्तियों के समान वह नश्वर जग के काल परिणामित दुख से उसकी पीड़ा से मुक्त थी, छूटी हुई थी और अस्पर्श अछूती और निरापद बनी हुई थी। आज हम इस सारगर्भित विषय को यहीं विराम देते हैं। आह्वान पर अवतरित हुई परात्पर एवं परात्परा जननी की सम्मिलित दिव्य चेतना, जिन पर आरूढ़ होकर हमने सावित्री महाकाव्य के इन दिव्य मंत्रों सूत्रों को प्रकट होने पर देखा सीखा समझा जाना, अवतरित हुई दिव्य चेतना से हम निवेदन करें कि प्रकट हुए इस ज्ञान को विज्ञान को हमारी सत्ता के स्तरों में उचित स्थान प्रदान कराए, ताकि जब जब साधना के दुरुपद पर हमें इस ज्ञान की विज्ञान की आवश्यकता हो तब तब यह ज्ञान विज्ञान जागृत होकर साधना के दुरुपद पर हमारा नेतृत्व कराए। इसी मनोभाव से कुछ पलों के लिए हम ध्यान की गहराई में प्रवेश कर जाएं। सचेतन सावधान सावचेत बने रहें। भागवत क्रिया हमारी सत्ता के स्तरों पर संपन्न होने जा रही है।